स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम में रविवारी सत्र में इस लाइव योग सत्र में योग यज्ञ के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रहें आज हम जानते हैं। इस सबसे पहले कार्यक्रम में जो कि हमारा महाराणा प्रताप की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम है, मंत्र पाठ के द्वारा प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वास ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। योग और यज्ञ के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रहें और कैसे अपने आसपास के वातावरण को हम शुद्ध बनाएं। महाराणा प्रताप की जयंती पर आज हम उन्हीं को समर्पित एक अग्निहोत्र, एक दैनिक यज्ञ के रूप में इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि योग और यज्ञ से हम कैसे अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और अपने क्षेत्र को, अपने पूरे आसपास के वातावरण को अच्छा रख सकते हैं और अपने पूरे क्षेत्र को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे यज्ञ के साधक और योग के साधक उपस्थित हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर जो उनके वीरांगनाओं की धरती ये राजस्थान रहा है, ऐसे वीरों की धरती पर रोगों का प्रकोप ना हो और यदि हो गया है तो वो निश्चित रूप से हम सबके अथक पुरुषार्थ से और इस वेद के विज्ञान से दूर हो जाए। इसके लिए हमें कुछ समझ लानी पड़ेगी, वो समझ योग और यज्ञ को जीवन में आचरण में लाने से होगी। नहीं तो ये कितने दिन ये महामारी हमारे पीछे चलेगी, पूरी मानव जाति को त्रस्त करती रहेगी, हम सब में से कोई नहीं जानता। सब लोग अपनी अपनी ओर से अनुमान लगा रहे हैं, कोई किसी तरह का अनुमान लगा रहे, कोई अपने अनुभवों के आधार पर कोई अनुमान लगा रहे, लेकिन आप सबको बोलते हुए मुझे इस बात का गर्व भी हो रहा है कि हम सब की जो भारत भूमि की संस्कृति योग और यज्ञ की रही है। क्या पहले नहीं वायरस होते थे? क्या सब होते थे? पहले भी ठीक होते थे और इससे भयानक होते थे, इससे भयानक स्तर पर होते थे। वो सब इस यज्ञ नाम के महौषधि से ठीक हो सकता था, होता था और हुआ है और आज भी उसी से संभव है। निश्चित रूप से आप सब लोग इस योग की और यज्ञ की परंपरा से जुड़ें और जुड़ करके अपने पूरे जीवन को यज्ञमय बनाएंगे, अपने घर में प्रत्येक दिन यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, आपके आसपास का वातावरण बड़ा अच्छा रहेगा और आपके ऊपर कभी ये इस रोग का, इस वायरस का संकट नहीं आएगा, कभी कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यज्ञ करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे घरों में शुद्ध प्राणवायु का संचार हो रहा है। तो हम संकल्प पाठ के साथ में यज्ञ का प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ में जल को भर लेंगे, दाएं हाथ में जल को भर लेंगे। संकल्प पाठ। संकल्प पाठ के लिए जल को भर लेंगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्विन्दुगुणभूतवसुकर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टर्षिखनेत्रे वैक्रमाब्धे सप्ताङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्धे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ चैत्र वैशाख ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे तृतीयां तिथौ। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि हुई है और महाराणा प्रताप की जयंती है। ज्येष्ठ मासे शुक्ल
शुक्लपक्षे तृतीयां तिथौ रविवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशे राजस्थान प्रांते अजयमेरुनगरे ईश्वर प्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। इस जल को नीचे छोड़ देंगे और आज हमने इस बात का संकल्प लिया है कि अमुक स्थान पर अमुक तिथि अमुक अयन नक्षत्र और अमुक मुहूर्त में बैठ करके हम इस यज्ञ के पावन कर्म को कर रहे हैं। यज्ञ चिकित्सा किसको कहते हैं, आइए अब हम यज्ञ प्रारंभ करके जानेंगे कि यज्ञ चिकित्सा का क्या महत्व है हम सबके जीवन में। यज्ञ चिकित्सा आज की इस विशेष कार्यक्रम योग यज्ञ चिकित्सा एवं महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित इस विराट विशेष और सुंदर से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो हम जानते हैं देखते हैं यज्ञ की सामग्री में क्या क्या विद्यमान होता है, क्या क्या उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है। तो सबसे पहले इस यज्ञ की सामग्री को हम देखते हैं कि इसमें यज्ञ कुंड सबसे पहला है। उसके भीतर समिधाओं का आधान है, कुछ समिधाएं रखी हुई हैं। फिर देशी घी है, जल का पात्र है, दीपक है और उसके अलावा इसमें यज्ञ के अंदर शाकल्य होता है, सामग्री होता है। हमारे दर्शक ऑनलाइन लगे हुए हैं, बहुत सारे देख रहे हैं। सरोज जी वर्मा नमस्ते जी, गौतम जी बालानी आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। इस दूसरे यज्ञ कुंड में भी आप देखें, इसमें भी यज्ञ कुंड में समिधाएँ शाकल्य बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण प्रसिद्ध पात्र आचमन पात्र समिधाएँ हैं और उसके अलावा शाकल्य घी है। ये सब चीज़ें आवश्यक रूप से हमें यज्ञ में होनी चाहिए। तीसरा यज्ञ कुंड भी हम देख रहे हैं, ये चतुर्कुंडीय यज्ञ चार कुंडों में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार से चौथे यज्ञ कुंड में भी हम देखते हैं कि कैसे इस यज्ञ की सामग्री को इन्होंने लगा रखा है। इसमें भी घी है, समिधाएं हैं और पूरी सामग्री हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ की सामग्री को हमने देखा। यज्ञ की सामग्री के बाद हम यज्ञ प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आचमन को करने के लिए अपने दाएं हाथ में जल को भर लेते हैं, दाएं हाथ में जल को सबसे पहले भरते हैं। अमृतोपस्तरणमसी स्वाहा, कलाई की ओर से पी जाएंगे, दाएं हाथ में भरेंगे, फिर से दूसरी बार फिर भरेंगे। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, दाएं हाथ में भरेंगे, राइट। तीसरी बार फिर से भरते हैं। ओम सत्यम यशः श्रीर्महि श्रीश्रयताम स्वाहा, फिर से पी जाएंगे। अब हम अंग स्पर्श करने के लिए पहले दाएं हाथ को धो लेंगे राइट में, फिर से जल को भरने में और पीछे की ओर पानी को डालकर इसको धो लेंगे। अब हम बाएं हाथ में जल को भरेंगे, लेफ्ट हैंड में जल को भर लेंगे और बाएं हाथ में भरने के बाद
दाएं हाथ की बीच की दो उंगलियों से हम अंगों को स्पर्श करते हैं। ओम पारासेस्तु, ओम सूर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मोजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंघानि तनुस्तन भामी सहसंतु। हमारे सभी ऑनलाइन दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अशोक कुमार जी, पूनम जी, सरोज जी, गौतम जी, आप सभी का इस विशेष लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने के लिए हमने सबसे पहले आचमन किया, उसके बाद अंग स्पर्श किए। अंग स्पर्श के बाद हम चलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को लेते हुए। ओम, सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथों को जोड़कर बड़े ही श्रद्धा प्रेम से अपने परमात्मा की स्तुति में अपने स्थिति को बना करके रखें। कमर गर्दन सीधी रहती है और आंखें बंद रहती हैं। हाथ जोड़ लेंगे, मन में बहुत ही श्रद्धा प्रेम विश्वास को लेकर ईश्वर की स्तुति का गान कर रहे हैं। ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय अविशा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशेयस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय अविशा विधेम। ओम येन दौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम् आनशानास्तृतीयै धामन्न धैरयन्त। ॐ अग्ने नयसुपथारा ये अस्माहन् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। अब हम सबसे पहले अपने इस यज्ञ के कुंड में सबसे पहले अग्नि स्थापित करने के हेतु अग्नि को दीपक में स्थापित करेंगे। सबसे पहले अग्नि को दीपक में स्थापित करने के लिए हम अपने आस पास में माचिस रखा हुआ है उसको उठाकर मंत्र पाठ के साथ में अग्नि कुंड में दीपक के पास में दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः फिर
दूसरी बार अब हाथ में श्रुवा उठा लेंगे और कपूर के कुछ टुकड़ों को लेकर उसके अंदर दीपक से अग्नि लेकर प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवस्व द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्नास्यास्ति पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्यायादधे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने घी की आहुति प्रतिजा गृहीतमिष्टा पूर्ते संसिजे थामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। घी की आहुति डाल देंगे। भिन्न भिन्न रोगों से लड़ने और बचने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों की आहुति अग्नि कुंड में देने से बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं, दिया जाता है। कैसे? यदि डायबिटीज़ हो तो क्या डालें? यदि मानसिक रोग उन्माद आदि हो तो क्या डालें? यदि पीनस पुराना नज़ला बिगड़ गया हो, जुकाम वह हो तो क्या डालें? यदि तनाव हो तो क्या डालें? सामग्री में सर्व रोग नाशिनी, शरीर में बहुत सारे रोग आ गए, उनके लिए हम क्या डालें? ये सब यज्ञ की सामग्रियाँ होती हैं। आपको लगभग प्रत्येक सप्ताह हम आपको इस कार्यक्रम में बताते रहते हैं, फिर भी अलग अलग दिनों में आपको अलग अलग सामग्रियों के नाम बताते हैं, कैसे उनका मिश्रण किया जाए और कैसे उनको मिश्रित करके आप यज्ञ घर में किया करें। और जब ऐसा करेंगे तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। तो पहला समिधा को हम लेंगे, पहली समिधा को लेकर आधान करेंगे अग्निकुंड में। सबसे पहली समिधा को लेंगे। ॐ अयन्तैद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नान् दीनसमेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदम् न मम। ॐ दूसरी समिधा को। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्भूदयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहूतन सुसमिद्धाय शुचिषे घृतं तीव्रं जुहूतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं न मम। तीसरी समिधा को लेंगे। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरौ घृतेन वर्धयामसि बृहच्छूचाय विष्ट स्वाहा। इदम् अग्नये अङ्गिरसे इदं न मम। ॐ ये तीन समिधाओं का आधान हमने किया। अब हम तीन समिधाओं के बाद पांच बार घी की आहुति देंगे। घी पुष्ट करने का काम करता है। जब भी किसी को शरीर में शक्ति बढ़ानी हो, शारीरिक बल को बढ़ाना हो, तो उसको घी से युक्त बहुत सारे भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। जब किसी का कोई जन्मदिन हो तो प्राचीन काल में परंपरा के अनुसार माताएं जो है घी का हलवा बनाया करती थी। घी से ओतप्रोत, राजस्थान की भूमि की बात की जाए तो ओतप्रोत दाल और बाटी का व्यंजन बनाया जाता था। आज भी बहुत सारे जो 56 भोगों में घी से बने हुए बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनमें घी का बड़ा महत्व है। जब घी भौतिक रूप से प्रयोग करने की दृष्टि से, सेवन करने की दृष्टि से जब इतना काम करता है, इतना पवित्र और इतना पौष्टिक पदार्थ मानते हैं इसको, तो हम यज्ञ के कुंड में इसको डाल करके वातावरण में पौष्टिकता क्यों नहीं फैला सकते? इस विचार को हमारे ऋषियों ने, इस विचार को वेद में, इस विचार को बहुत अच्छे ढंग से शास्त्रों में विद्वानों ने लिया। यहाँ तक कि विदेश के विद्वानों ने भी इस पर बहुत काम किया। रूस का वैज्ञानिक शिरोविच कहता है कि यज्ञ, वो अपनी एक पुस्तक में लिखता है, गाय के घी को अग्नि में डालने से उससे जो उत्पन्न धुआं है वो परमाणुओं के विकिरण को,
कि प्रभाव जो है उसको बड़ी मात्रा में दूर कर देता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह प्रक्रिया यज्ञ के नाम से जानी जाती है। और हम सब का सौभाग्य है कि हम सब लोग, आप देख रहे हैं इसमें सभी अवस्थाओं के लगभग लोग हैं, आपको बालपने के बच्चे भी यज्ञ करते हुए दिख रहे हैं इस कार्यक्रम में, उसके बाद युवकों में, युवतियों में भी दिख रहे हैं, और इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं के आपको, मतलब लगभग तीन अवस्थाओं के, बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था, तीन आपको अवस्थाएं दिख रही हैं यज्ञ करते हुए। अगले रविवार को हम और भी वृद्धावस्था के लोगों को भी इसमें रखेंगे, तो चार वर्ग इसमें पूरे हो जाएंगे। तो आप यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी आयु वर्ग वालों को यज्ञ करना चाहिए और प्रत्येक दिन यज्ञ करना चाहिए। आप देखो यज्ञ की अग्नि कैसी प्रचंड होती चली जा रही, यही हमें आरोग्य देती है, यही हमारे जल और वायु को शुद्ध करती है, यही पूरे समूचे वातावरण को शुद्ध करती है। और जब ये शुद्धता फैलती है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति के भीतर नहीं जाती, ये सभी को स्वस्थ बनाती है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी श्वास ले रहा है वो यज्ञ से लाभान्वित हो रहा है। यज्ञ परोपकार का बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। अब हम पांच आहुतियाँ घी की दे रहे हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देनस्समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वरधस्व चेद्धवरदय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। यज्ञ हम सबके जीवन का आधार। पूना के एक फर्ग्यूसन नाम का कॉलेज है, यदि उसके भीतर की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे जीवाणु शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने एक प्रयोग किया, 36 फीट, 22 फीट और 10 फीट इनके घनफुट का एक हॉल बना करके, और उस हॉल के में एक समय का अग्निहोत्र यानी यज्ञ किया। परिणाम स्वरूप 8000 घनफुट वायु में कृत्रिम रूप से उन्होंने निर्मित प्रदूषण, जो प्रदूषण को पैदा किया था उसमें 77% जो पार्ट था वो खत्म हो गया, जो प्रदूषण उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया था। और केवल इतना ही नहीं हुआ, इस प्रयोग से उन्होंने ये भी पाया कि एक समय का यदि यज्ञ किया जाए तो उससे 96% जो हानिकारक कीटाणु वायु में विद्यमान होते हैं उन सब को नष्ट करके यज्ञ की जो पुष्टिकारक गैसें हैं उस उन सब को नष्ट कर देती हैं। ये केवल और केवल यज्ञ की पुष्टिकारक गैसों से ही संभव हो सकता है और संसार की किसी भी तत्व से संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये शाकल्य जो होता है ये भिन्न भिन्न औषधियों को, जड़ी बूटियों को मिश्रित करके डाला जाता है अग्नि में, और इसके साथ घी डाला जाता है। तो घी जब डालते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पौष्टिक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे वातावरण को बहुत अच्छा बना देती है, रोग नाशक बना देती है, आरोग्य वर्धक बना देती है और सुगंध कारक बना देती है। ये यज्ञ के प्रभाव हैं। एक और प्रयोग किया गया, जलती शक्कर को यदि हम, या फिर ऐसा मान लिया जाए कि जलती शक्कर जो है उसमें वायु को शुद्ध करने की बहुत सारी शक्ति विद्यमान होती है, इसमें से चेचक, हैजा, क्षय आदि बीमारियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं। यदि मुनक्का और किशमिश आदि फलों जिनमें शक्कर की मात्रा यानी शुगर की कंटेंट ज़्यादा होता है, यदि इनको हम अग्नि में प्रदान करें, अग्नि में इनकी आहुति दें
तो इनके धुएं से आंतरिक ज्वर, जो आंतों का बुखार होता है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, उसके कीटाणु 30 मिनट में और अन्य दूसरे रोगों के कीटाणु 1 या 2 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। ये भारत के किसी व्यक्ति की बात नहीं कह रहा, कोई कह रहा है, ये विदेश का विद्वान कह रहा है, जो वैज्ञानिक ट्रिलवर्ट है, जिसने वैदिक यज्ञ विज्ञान नाम से एक पुस्तक लिखी थी, उसमें वो कहता है। तो ये बहुत सारे काम इस यज्ञ से होते हैं। केसर और चावल को यदि मिला करके यज्ञ किया जाए तो प्लेग के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। और ये अग्निहोत्र की जो लोकप्रियता है, अब धीरे धीरे अमेरिका में, चिली में, ट्रिली, पोलैंड में, जर्मनी आदि जितने भी देश हैं, इनमें यज्ञ की बहुत सारी जो है प्रचलन बढ़ रहा है, इसका प्रचार बढ़ रहा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग विदेशों में भी अब यज्ञ करने लगे हैं। अब यज्ञ से कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, जिनमें टाइफाइड, ज्वर नाशक भी है यज्ञ, नजला, जुकाम, सिरदर्द यदि हो रहा है तो मुनक्का की आहुति यदि हवन में देंगे तो नजला, जुकाम, सिरदर्द से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मस्तिष्क को बल देना है तो शहद और सफ़ेद चंदन की आहुति देनी चाहिए। वात रोग नाशक यदि कोई पदार्थ है तो वो पिप्पली है, पिप्पली की आहुति हमें देनी चाहिए। मनोविकार यदि है, गुग्गुल और अपामार्ग, जो कि गुग्गुल आपको बाज़ार में सहजता से सब जगह उपलब्ध हो जाती है, गुग्गुल जिसको गूगल बोलते हैं, सुगंधित पदार्थ होता है, तो गूगल की बजाय गुग्गुल को हम प्रयोग करें शब्द का, तो गुग्गुल से यदि आहुति देंगे तो गुग्गुल से आहुति देने पर निश्चित रूप से अगर अपामार्ग के साथ मिला करके देवे तो मनोविकार जो है नष्ट हो जाते हैं। मनोविकार कईयों को हो जाते हैं, भ्रम, चित्त भ्रम हो जाते हैं कि कुछ का कुछ दिखने लगता है। मानसिक रोग बहुत सारे, उन्माद आदि चरक संहिता में कहे महर्षि चरक ने, आयुर्वेद के कई ग्रंथों में ये देखें किस प्रकार से ये यज्ञ निष्पन्न हो रहा है। अब हम पंच कृताहुतियाँ हमने दी, अब हम जल प्रसेचन करेंगे। सबसे पहले अपने पास में रखे हुए जल के प्रसेचन पात्र को हम उठा लेंगे और बाएं हाथ में उठा लेंगे, दाएं हाथ में इस जल को भरें, राइट हैंड में इस जल को भर लेंगे और हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें तो सामने की दिशा में यज्ञ कुंड के पार, यानी कि सामने की दिशा में दाएं से बाएं हम इस प्रसेचन को पहले को करेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व, दूसरी बार अपनी तरफ करेंगे, ओम अनुमते अनुमन्यस्व, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। तीसरी बार दीपक जो कि हमने ईशान कोण में रखा हुआ है, यदि नहीं रखा तो रख देंगे, अब अपनी तरफ से दीपक की ओर एक रेखा बनाएंगे, ओम सरस्वत्यानुमन्यस्व, बहुत सुंदर। इस प्रकार से हमने 3 बार जल का प्रसेचन किया। अब दीपक से लेकर के पूरा गोल क्लॉकवाइज मंत्र पूरा मैं बोल दूंगा, उसके बाद करेंगे, ओम देवस्वितः प्रसुवयज्ञम प्रसुवयज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुके तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। पूरा एक चक्र लगा दें। इस प्रकार से अब हम 4 आहुतियां पहली उत्तर भाग में आहुति देंगे और दूसरी दक्षिण भाग में देंगे, तीसरी मध्य में देंगे और चौथी भी मध्य में देंगे। तो स्टार्ट शुरू करेंगे, ओम अग्नये स्वाहा, घी की आहुति उत्तर भाग में अपने से सामने की तरफ, ओम दाई तरफ दक्षिण में, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम नम। तो पहली आहुति हमने दी थी, फिर देते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। दूसरी आहुति, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा
इदम इंद्राय इदम नमः। अब साथ में हमारे जो यज्ञ की सामग्रियों के रूप में बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, लगभग 50 से 70 पदार्थ इसमें डले हुए हैं। जावित्री है, जायफल है, कपूर है, उसके अलावा इसमें कपूर काचरी है, उसके अलावा इसमें गिलोय है, गुग्गुल है, जटामांसी है, नागर मोथा है, आदि आदि बहुत सारे जो ऐसे हैं, वच है, पिप्पली है, ये मिश्रण आपको दिख रहा है, ये रोगनाशक मिश्रण है। इसमें रोगनाशक पदार्थ भी हैं, मिष्टिकारक भी हैं, सुगंधिकारक भी हैं, और मिष्टियुक्त, सुगंधिकारक, रोगनाशक और पुष्टिवर्धक, ये 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब हम जो घी की जो आहुति मुख्य यजमान दे रहे हैं उसके अलावा बाकी के लोग सामग्री से आहुति दें, थोड़ी थोड़ी सामग्री हाथ में ले लेंगे, अपने बाएं हाथ में ले लेंगे और दाएं हाथ से आहुति देते रहें, बाएं हाथ में और भर लेंगे। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। प्रयास करेंगे, एक ही दाएं हाथ से ही हम देंगे, पहले घी फिर सामग्री, है ना, पहले घी दे देंगे फिर चम्मच रख देंगे और फिर उसके बाद सामग्री से आहुति। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, स्वाहा के साथ देंगे, स्वाहा बोलते भी रहेंगे सभी। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, उसी हाथ से दाएं हाथ से ही सामग्री लें। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसिन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। इस चम्मच को रख के फिर दाएं हाथ से, आप सभी दर्शकों को भी मैं इसी वजह से एक एक बारीकी का बता रहा हूँ कि हम प्रयास यही करें कि दाएं हाथ से ही इस घी की आहुति भी दिया करें और दाएं हाथ से ही सामग्री यानी कि शाकल्य की भी आहुति दिया करें। अब हम दूसरे यज्ञ कुंड की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। 2 को हमने देखा बड़े गौर से और हम तीसरे की तरफ चलते हैं जिसमें 3-3 याज्ञिक बैठे हैं। इन तीनों याज्ञिकों को यज्ञ करते हुए आप देख रहे हैं। अब हम इसमें प्रातःकाल की आहुतियों के बाद के मंत्र, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदं नमः। आहुति को दाएं हाथ से ऐसे बीच में लेकर के और ऐसे खुले हाथ से डाला जाता है। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम आवायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय इदं नमः। घी की आहुति और सामग्री की दोनों की एक ही आहुति में दोनों को दिया जाता है, ठीक है, एक ही आहुति में दोनों पदार्थ दिए जाते हैं। पहले घी की आहुति दे सकते हैं और फिर दूसरी बार सामग्री की आहुति दे सकते हैं। इस प्रकार से अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। अब आप सामग्री क्या होती नहीं देंगे, केवल घी की जितना रखा है। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्ये व्यप्राणपान व्यानेभ्य स्वाहा इदम अग्निवायवादित्ये व्यप्राणपान व्यानेभ्य इदं नमः। ओम आपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव स्वाहा। ओम अग्नि नय सुपतारा ये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आप देख रहे हैं कैसे प्रकृति की गोद में सुरम्य कैसा हमारे पास नज़ारा। सब लोग इस व्यू में लाइव कार्यक्रम में देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लाइव के रूप में जुड़े हैं और इन सब दर्शकों का जीडी व्यास साहब और सरोज जी आदि आदि सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम जो कि हर सप्ताह में हम यज्ञ के रूप में इस कार्यक्रम को रखते हैं। स्वामी न्यूज़ की ये लाइव प्रस्तुति प्रत्येक दिन आपको यहाँ पर इसी फेसबुक के चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो निश्चित रूप से आप इस लाइव प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं, इसको देख करके यज्ञ को सीख सकते हैं। किसी और को यदि यज्ञ सीख आता भी नहीं है तो केवल गायत्री मंत्र से हम यज्ञ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से यज्ञ करना चाहिए। घी को डालेंगे, यदि किसी की अग्नि कम हो रही है तो घी की आहुति देंगे। तो इसी प्रकार से हमने आज बहुत सारे मंत्रों से यज्ञ किया है, अब हम मिष्टान से जो आदि आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों से, जिसमें मीठे पदार्थों का मैंने आपको नाम बताया, उन मीठे पदार्थों को भी यदि हम आहुति उनकी देंगे तो हमारे भिन्न भिन्न रोगों का निवारण होता है। हमने जाना भी था अभी नज़ला सिरदर्द और जुकाम आदि के लिए मुनक्का किशमिश आदि की आहुति दी जाती है जिसमें मिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं, मीठे पदार्थ अधिक होते हैं। तो ये हमारे ऐसे योग साधक और यज्ञ के साधक हैं जिनमें जिनको यज्ञ के मंत्र याद भी हैं, तो अभी हम इन बच्चों से ही ये यज्ञ करना सीखे हैं, कुछ इस प्रकार के कार्यक्रमों से, कुछ शिविरों से तो यज्ञ करना सीखे हैं। तो हम देखते हैं एक बार कि इनको यज्ञ के मंत्र याद भी हैं या केवल ये यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। आप सभी को दिखाते हैं, ये आपके स्वामी न्यूज़ के ही दर्शक हैं, हम इधर उधर से कहीं से नहीं लाए, ये स्वामी न्यूज़ को नियमित रूप से देखते रहे हैं और इस यज्ञ के कार्यक्रम को भी देखते रहे हैं, योग के कार्यक्रम को नियमित रूप से ये देखा इन्होंने और उसी के आधार पर ये यज्ञ के इन मंत्रों का अभी पाठ करेंगे, आप सबको सुनवा रहे हैं। स्विष्टकृत आहुति के मंत्रों को हम गाएंगे। दोनों एक तरफ आ जाओ बच्चे, दोनों एक तरफ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। स्विष्टकृत आहुति, आप घी से आहुति देंगे और आप जो है मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र। ॐ यदस्य कर्मणो अत्तरीरचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निश्चत् सृष्टकृत् वेद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सूतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूरैषिभ्योति व्याधी महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोडान् अड्वान् आशु सप्ति पुरन्दर्योषा शृणुरथेष्टा सभयो यवासे यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्य फलवत्तो न ओषधय पचन्ताम् योगक्षे मोनः कल्पताम्। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। आप सबने देखा कि हमारे स्वामी न्यूज़ के दर्शकों में भी ऐसे बच्चे, ऐसे युवा, ऐसे किशोर तैयार हुए जिनको हमने थोड़ा सा ही मेहनत की, ज़्यादा मेहनत नहीं करी, थोड़ी सी मेहनत से ये बच्चे तैयार हुए। आप सबके सामने इन्होंने मंत्र भी बोले बिना कोई पुस्तक में से देखे हुए, कैसे अच्छे रटे हुए मंत्र हैं, यज्ञ की विधि भी जानते हैं और यज्ञ करते भी हैं, ऐसा नहीं यज्ञ करते नहीं, यज्ञ करते भी हैं ये बच्चे पूरा परिवार, ऐसे ही बहुत सारे और भी यज्ञ योग के साधक, यज्ञ के साधक आपको सामने दिख रहे हैं। तो इन सब के घरों में यज्ञ भी होता है और योग भी होता है, बिल्कुल ये सीखे हुए हैं, इसीलिए इन्होंने सीखा क्योंकि ये यज्ञ को अच्छा मानते हैं। युवावस्था में यदि योग और यज्ञ नहीं किया तो
तो फिर कुछ भी नहीं किया। इसीलिए योग यज्ञ जैसी हमारी पावनी परंपरा से हम सब लोग जुड़ें, अपने मन को, अपने शरीर को, सबको स्वस्थ रखें और अपनी पूरी जो विरासत है प्राचीन हिंदू संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति, इन सबको जीवित रखते हुए हम अपने आप को भी जीवित रखने में, अपने आप को भी अच्छा बनाए रखने में अर्थात स्वस्थ बनाए रखने में, पूरे समाज को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान दें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने यज्ञ को किया है और यज्ञ को करने के बाद अब हम शांति पाठ के लिए, शांति पाठ से पहले कुछ मंत्र का, गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं, फिर पूर्ण मदह पूर्णमिदम शांति पाठ करने के लिए पूर्णाहुति करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये गायत्री मंत्र के साथ में हमने मंत्रों के लगभग अंतिम आहुतियाँ इस कार्यक्रम में दी हैं और उसके बाद अब हम पूर्ण आहुति देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं, सामग्री की भी थोड़ी सी आहुति देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सामग्री की और घी की दोनों की, शाकल्य की भी और घी की भी, एक बार फिर दे देते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोली ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते नहीं। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हुए यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हवन हर प्राण धारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभंध को धारण की। स्वार्थ मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदं मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा की सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, दो मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म। सत्य ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। अब हम कुछ चीज़ों को जान रहे हैं। अब ये अग्नि जो है लगभग बुझ सी गई है, पूरी खत समाप्त सी हो गई है। इसलिए बुझ गई है क्योंकि इसके भीतर का जो ईंधन था, संविधाएँ और तमाम तरह की जो इसमें सामग्री थी, वो लगभग पूरी आहूत हो चुकी है। अब ये अंगारे बचे हैं। अब हमारे पास जो अलग से सामग्री बची हुई है, उस अलग से बची हुई सामग्री को हम इस अंगारों में डाल देंगे। जिनके पास बची हुई है वे लोग डाल देंगे। और उस सामग्री के बचे हुए होने के कारण से जो अब यज्ञ कुंड में डालेंगे, इसमें कि बहुत सारा धूम निकल रहा है। इस धूम निकलने के बाद में
ये जो धुआं निकल रहा है, इस धुएं को निकलने देंगे, छेड़ेंगे नहीं, इसको निकलने देंगे। अब इस धुएं का जो निकलना है, इसको यदि हम घर में कर रहे हैं तो घर के सारे कमरों में हम इसको घुमा देंगे, और उसके बाद इस पूरे वातावरण में हम यज्ञ प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम सभी करेंगे। तो अनुलोम विलोम को आधा आधा एक एक घंटा यज्ञ के धूम के वातावरण में हमें करना चाहिए। करेंगे सभी, दाएं हाथ को, दाई नासिका को बंद करेंगे दाएं हाथ से, और कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा, लंबे गहरे श्वास हम पहले भर रहे हैं, छोड़ दें। हमारे दर्शकों में बहुत सारे दर्शक साथ जुड़े हैं, बालेश जी गोहिल, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, आपको भी बालेश जी, जी डी व्यास साहब भी, और बालेश जी की, और इन सभी को, और भी दर्शक आगे भी देख रहे थे और कईयों ने कमेंट किए थे हमारे को, और इसी प्रकार से आप सभी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। अभी भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव हैं और खूब सारों के कमेंट आए, तो सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप की इस जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। ये योग चिकित्सा हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यज्ञ कुंड से निकलता हुआ धूम आपको दिखाई दे रहा है, और इसी धूम के, इसी धूम्र के निकट में हम प्राणायाम कर रहे हैं, और इस धूम के जो निकट में प्राणायाम करता है उसके भीतर औषधियों का जो धुआं है अंदर जाकर के उसे स्वस्थ बनाता है। लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए आँखें बंद रखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ऐसे अलग अलग प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे, गहरे लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, गहरे लंबे श्वास भरें और छोड़ें लगातार। यदि किसी के शरीर में रोग बहुत सारे आ गए हैं और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो सर्व रोग नाशिनी की एक सामग्री होती है, उसमें गुग्गुल, वच, गंध, नीम के पत्ते, आंकड़े के पत्ते, अगर, राल, देवदारू और छिलके सहित मसूर की दाल, यदि हम इतना देवें और इतने ही बराबर मात्रा में यदि घी को भी डालें, फिर से मैं नाम बोल रहा हूँ, सर्व रोग नाशिनी गुग्गुल, वच, गंध, नीम के पत्ते, आँख के यानी आंकड़े के, अर्क मदार के पत्ते, भस्त्रिका करते रहें, अगर, राल, देवदारू, छिलके सहित मसूर, और बराबर ही मात्रा में यदि गाय का घी डालें, देशी गाय का, तो हमारे सर्व रोग नाशिनी, शरीर में से भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे रोग जिनके उपचार करते करते आप थक गए हैं, यदि कुछ दिन इस सामग्री की आहुति दे करके यदि आप यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आरोग्य लाभ होता है, हुआ है, हमने कईयों के साथ ऐसा बताया है, उनको कईयों के साथ ऐसा देखा है, उनकी यज्ञ से चिकित्सा हुई है, कोमा से निकले हैं लोग, लकवे से निकले हैं, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी स्थितियों से बाहर निकल करके फिर से चलने लगे, दौड़ने लगे, फिर से अच्छे हो गए। वो किस वजह से हुए, क्योंकि हमने यज्ञ की चिकित्सा की उनके साथ। यज्ञ चिकित्सा जो व्यक्ति करता है उस यज्ञ चिकित्सा से स्वस्थ निरोगी होता चला जाता है, और निरोगी जो व्यक्ति हो जाता है वो संसार के सभी सुखों का भोग कर सकता है। तो इस तरह से आज के इस यज्ञ को हमने किया, और इस यज्ञ को करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम के लगभग समापन की ओर चलते हैं। समापन करने के लिए, आज के इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए थोड़ा और पास में ले लेंगे कैमरा। हमने जाना आज कि किस प्रकार से यज्ञ को किया जाता है, कैसे सभी आयु वर्ग वालों वाले यज्ञ किया करते हैं, और सभी आयु वर्ग वालों के उदाहरण आपके सामने आज दिखाए भी। यज्ञ हमारे जीवन की पावनी परंपरा है, इसको हमें अपनाना पड़ेगा, यदि हम अपनाएंगे नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और ये वायरस कभी भी इस संसार को छोड़ करके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस वातावरण में, वायु में घुल चुका है ये वायरस। इसीलिए आप सबको यज्ञ को अपनाना चाहिए, कौन कौन से पदार्थ डालते हैं, कौन कौन से क्या क्या डाला जाता है, आपको इस पूरे कार्यक्रम में लगभग हर सप्ताह आपको बताया जाता है। तो आप लोग अपने घरों में यज्ञ करें, आपके पास कोई सामग्री नहीं, कोई संविधाएँ नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये संविधाएँ देंगे, सारी दे दूँ, कई सारे लोगों के पास बहाना
बहाना क्या मतलब, सुविधा ये नहीं होती कि हम कौन सी सामग्री कैसे लगाएं। आप जमीन पर कर सकते हैं, जमीन पर कैसे कर सकते हैं, भूमि पर, पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्याया दधे, पूरी भूमि है यज्ञ करने योग्य। ऐसे दो संविधाएं लगाई, फिर दो संविधाएं लगाई, फिर दो संविधाएं लगाई, आपका ये यज्ञ कुंड तैयार हो जाएगा। एक बार दिखा देंगे कैमरे से थोड़ा जूम करके कैसे ये यज्ञ का कुंड पूरा तैयार हो जाता है। देखो आपके पास यज्ञ कुंड नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ज़मीन पर लगा सकते हैं, मिट्टी लगा सकते हैं नीचे। इस प्रकार से ये यज्ञ का अग्निहोत्र पूरा तैयार हो जाता है। आपके पास कोई भी साधन नहीं है, कटोरी चम्मच घी ये सब तो मिल जाता है, आपको मंत्र नहीं आते हैं, विधि नहीं आते, गायत्री मंत्र से 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके करें, लेकिन हवन जरूर करें। नीम के पत्ते, लौंग, अजवाइन, ये सब चीज़ें घरों में होती हैं, इन सभी चीज़ों का सेवन जैसे आप भोजन आदि में करते हैं, इसी प्रकार से आपको यज्ञ में भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ बहुत पवित्र कर्म है, बहुत पवित्र हमें कर देता है, हमें पुष्ट करता है। इसी प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में हमने महाराणा प्रताप की, वीर महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान की भूमि के, जिन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके, खुद ने घास की रोटी खाई होगी, खाई थी, कई कई दिनों तक उन्होंने घास की रोटी खा करके अपने जीवन को, आजीविका को चलाया, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके दुष्टों के, दुश्मनों के, शत्रुओं के आगे, लेकिन अपने भारत माँ भारती राष्ट्रभक्ति, जो उनके राज्य को विध्वंस करना चाहते थे जो शत्रु, उन सबको बहुत ही प्रबल वार करके जवाब दिया, उनको बताया कि वीरता अभी देश में, अभी राष्ट्र में, हमारे राजस्थान में मेवाड़ की भूमि पर अभी वीरता समाप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग वीरों ने जन्म लिया, हम इसी प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों में उन सब की जयंतियों के रूप में भी उनको समर्पित करते हुए उस दिन का कार्यक्रम रखेंगे। आज हमने कोरोना से मुक्ति कैसे हो, कोरोना से कैसे बचें, वातावरण को कैसे शुद्ध बना के रख सकें, उसके लिए क्या क्या सहायक चीज़ें हैं। बचें का मतलब ये है कि आप पहले ही वातावरण इतना अच्छा बना लो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी, आपका वातावरण वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। जब वायुमंडल ही शुद्ध हो जाएगा तो आपको रोग आने की सबसे कम संभावना होगी। फिर आप घर में जितना रह रहे हैं, घर में रहने से भी आप बहुत सारे समस्याओं से बच सकते हैं। इस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम को हमने देखा, तो हम कुछ एक दो मंत्र जो है इन बालकों से सुन लेते हैं। धैर्यम यस्य पिता, योग किसको कहते हैं, योगी किसको कहते हैं। तो दोनों बच्चे एक बार जो है खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, दोनों साइड में मेरे यहाँ आ जाओ दोनों, और धैर्यम यस्य पिता वाले मंत्र को बोलना है, इसको पकड़ो बीच में और पास में आ जाओ, बोलो बोलो। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनम ज्ञानामृतं भोजनम हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिना। बहुत सुंदर। ये सभी बच्चे ऐसे हैं कि बड़े बड़े लोग भी संस्कृत से कई सारे डरते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों ने ऐसे संस्कृत को याद किया है। योग में योगी किसको कहते हैं, किस योगी को भय नहीं होना चाहिए, इस तरह से योग की परिभाषा, योगी की परिभाषा बताई हुई है। कुल मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समापन कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में लेने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए, और इस आभार के साथ में इस कार्यक्रम को हम अभी थोड़ी सी देर में इसको समापन करेंगे, और समापन करने के बाद हम वापस कल के कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले अभी एक मिनट का और समय लेंगे आपसे। तो इस पूरे कार्यक्रम में हम सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ओम के ध्वज के पास, ये सभी हमारे योग साधक और यज्ञ के साधक यज्ञ हमारे साथ में हैं। आप सभी अजमेर के वासियों को, राजस्थान मेवाड़ के वासियों को,
किस प्रकार से हमने आज इस कार्यक्रम को किया। सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, समूचे राष्ट्रवासियों को, पूरे देशवासियों को, हम स्वामी न्यूज़ परिवार की ओर से और इस योग व स्वास्थ्य की इस पूरी टीम की ओर से हम सभी योगियों को और योगियों की और योग साधकों की और यज्ञ के साधकों की ओर से सबको, सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसी प्रकार से महाराणा प्रताप के जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लेंगे और बहुत सारे ऋषियों के जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को और उत्तम बनाएंगे, दिन भर दिन, दिन प्रतिदिन और अच्छा बनाएंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है, आभार है, धन्यवाद है। स्वामी न्यूज़ की इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है, योग व स्वास्थ्य की पूरी टीम का बहुत आभार, धन्यवाद। ओम।